आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। आसनसोल में तृणमूल शिक्षक संगठन के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड चेयरमैन सह तृणमूल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने इसकी शुरुआत आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके से की। जितेंद्र तिवारी शिक्षकों के साथ घर गए, लोगों को शिक्षक संगठन की ओर से सरकारी योजनाओं को लेकर बनाई गई पुस्तिका दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, इसका लाभ सभी लोगों को मिले, इसके लिए शिक्षक संगठन ने योजना के बारे में पूरी जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया को पुस्तक के आकार में प्रकाशित किया, जिसे घर घर पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। टीचर लोग हैं, स्कूल के टीचर लोग हैं, ये लोग घर घर में जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार का क्या क्या योजना है, जनता के भलाई के लिए क्या है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, जो योजना नहीं मिल रहा है वो कैसे फिर लोगों तक पहुंचाना है, ये सारा किस कुछ इस किताब में ये लोग बनाए हैं और ये घर घर में जाकर देख रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जैसे सारा जो योजना है ममता बनर्जी का जनता तक पहुँचे, उसके लिए आप लोगों के पास किया है। ये हमारे स्कूल के सारे टीचर लोग हैं, ये लोग पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी हर आदमी के लिए जो जो सरकार का जो सब स्कीम बनाई है वो ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, क्या क्या स्कीम है नहीं है, सारा कुछ एक किताब में ये लोग बना के हर घर में दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सा योजना कैसे आपको मिलेगा, यदि कुछ नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ दरखास्त करना, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा और इसका लाभ उठाइए। सरकार जो है पश्चिम बंगाल सरकार जो है आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, जितना भी योजना है आपके लिए इसका लाभ उठाइए। आप चार तरीके काल के पश्चिम बंगाल सरकार जो जो योजना हर परिवार के लिए बनाई है वो सारा योजना इस किताब में बनाया हुआ है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सा लाभ आपको मिल रहा है, किस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ इस किताब में है। ये सारे हमारे टीचर्स हैं आसनसोल के, ये लोग घर घर में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, इसको पढ़िए, जो जो योजना सर आप तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, इसमें बताया हुआ कैसे करना। चार तरीके तो कैंप भी हो रहा है, स्वास्थ्य साथी है कि नहीं, कार्ड हेल्थ कार्ड है कि नहीं, है हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें लाभ है क्या कि यदि बहू अप्लाई करेगी तो उसमें आप उसका बाल बच्चा सबका ट्रीटमेंट होगा, उसका पति का भी ट्रीटमेंट होगा, सास ससुर बना आप लोग का भी ट्रीटमेंट होगा और उसका माँ पिताजी है उनका भी ट्रीटमेंट होगा। 5 लाख रुपया तक किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाइएगा, उसका 5 लाख रुपया तक उसका ट्रीटमेंट, अभी भेलोर भी इसमें इंक्लूड हो गया, भेलोर में भी 5 लाख रुपया तक उसका ट्रीटमेंट होगा, जरूर इसको बनवाइए, जरूर इसको बिना पैसा हमारे यही जिला जरा शिक्षक आसू मास्टर मशाई बाड़ी बाड़ी ये प्रकल्प नहीं সেটা তো ওনারা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে এবং সরকারের যে বিভিন্ন যে স্কিম আছে সেগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছেন, একটা পুস্তিকা ওনারা তৈরি করেছে সেটা সব লিপিবদ্ধ করা আছে, এর ফলে মানুষ জানতে পারবে যে কী কী সরকারি স্কিম আছে, সেটা কীভাবে পাওয়া উচিত, না পেলে কী করা উচিত, সবটাই তারা প্রচার করছেন এবং তাদেরকে উৎসাহ বাড়াবার জন্য আমি তাদের সঙ্গে কেমন ছাড়া পাচ্ছে, ভালো ছাড়া পাচ্ছে, সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে স্কুলের শিক্ষকদের এইভাবে, না এটা দেখুন সবার জন্য নয়, এটা যে শিক্ষকরা নিজের শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য সামাজিক কাজ করতে চান তাদের জন্য, আমরা তো সিপিএমে কাউকে বলি না যে তুমি এসো, বিজেপি কাউকে ডাকছো, যারা তৃণমূল কংগ্রেস করে যারা মানুষের ভালো করতে চায়, অনেক টিচার থাকেন কেউ পাড়াতে কেউ অসুস্থ হলে তাকে হসপিটাল নিয়ে যান, তাহলে বলবেন না শিক্ষকতা ছেড়ে আপনি হসপিটাল নিয়ে গেলেন কেন, অনেক শিক্ষক আছে যে এলাকাতে বিয়ে বাড়ি থাকে তার পরিবেশন করে দেয়, তাহলে আপনি বলবেন না মাস্টারমশাই আপনি পরিবেশন করছেন, টিচাররা তো মানুষ তো নিজের শিক্ষকতা ছাড়া আরও অনেক দিন ভালো কাজ করতে চায় তারা করবে, ওই যাদের করার ইচ্ছা নেই তারা বাড়িতে থাকুক, সিপিএমের টিচাররা বাড়িতে থাকুক, বিজেপি টিচাররা বাড়িতে থাকুক, তাদেরকে ভালো কাজ করতে হবে না আমাদের, কিন্তু যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। कुल्टी के समाज सेवी संगठन कुल्टी मदद फाउंडेशन की ओर से कुल्टी स्टेशन मोड़ स्थित संस्था के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कुल्टी मदद फाउंडेशन के सदस्यों एवं संस्था की छात्राओं द्वारा दिव्यांग प्रतिभावान लोगों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। दिव्यांग सम्मान कार्यक्रम के दौरान कुल्टी के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांग प्रतिभावान लोगों ने अपने जीवन के अनुभव को साझा किया।
साथ ही कुल्टी मदद फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगों के लिए किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की प्रशंसा किया। कार्यक्रम के तहत दिव्यांग लोगों सहित स्थानीय लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण किया गया। साथ ही संस्था द्वारा दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग सहित चलने वाले असमर्थ बुजुर्गों को लाठी एवं चादर के अलावा जरूरतमंदों के बीच गर्म वस्त्र वितरण कर अल्पाहार कराया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज कार्यक्रम का आयोजन किया है, दिव्यांग सम्मान समारोह। इस समारोह में हम लोग विशेष करके कुल्टी के ऐसे प्रतिभावान दिव्यांग जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं, विभिन्न कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो रक्तदान में जुड़े हुए हैं, कोई खेल में जुड़ा हुआ है, उनको हम लोग विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जिनको सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उनको, जैसे लाठी हुआ, शॉल हुआ, गर्म वस्त्र हुआ, इस टाइप से हम लोग थोड़ा थोड़ा उनको हेल्प करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए, ताकि वो भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। दिव्यांग होना कोई ये नहीं है, दिव्यांग एक भगवान का एक अभिन्न अंग है। तो वो कैसे समाज में आगे बढ़े और समाज को कैसे एक प्रेरणा स्रोत बने, इसके लिए हम लोग आज ने कार्यक्रम किया। मेरा नाम रविशंकर चौबे है, कुल्टी मदद फाउंडेशन। धन्यवाद। मैं किरण प्रसाद, कुल्टी मदद फाउंडेशन से, मैं बराकर सेंटर में रहती हूँ। और हमारा सेंटर में ये दिव्यांग दिवस हर दिन, हर साल मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और हमारी संस्था ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं हम लोगों को, और उनको सम्मानित भी करते हैं, और उनको ये भी बताते हैं कि आप किसी तरह से भी, हम आम मनुष्य के तरह, कमी उनमें नहीं है। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করছে কিছু প্রতিবন্ধীদের সম্মানিত করে, এবং তার পাশাপাশি সমস্ত মানুষকে সচেতন করার জন্য, সমস্ত মানুষকে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য, সমাজের ভালো কাজ করার জন্য, মানুষের পাশে মানুষ থাকবে এটাই মেসেজটা দেওয়ার জন্য মদত ফাউন্ডেশন এরকম কার্যক্রম আজকে উঠিয়েছে। মদত ফাউন্ডেশনের যারা সচিব, যারা প্রেসিডেন্ট, যারা ট্রেজারার, যারা মেম্বার্স, প্রত্যেককে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, যারা সমাজের জন্য এত ভালো কাজ করছে। আরো বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কুলটি আশেপাশ অঞ্চলে তারা কাজ করছে, আর বিশেষ করে আজকে 3rd December 2020 বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করছে। আমি তুষার মুখার্জি, কুলটি ইউথ ফার্মের জেনারেল সেক্রেটারি।